तो स्टार्ट करते हैं CSS में कुछ नई चीजें सीखने के लिए और CSS को स्टार्ट करने के लिए क्या हम करते हैं। ठीक है, तो पहले CSS को यूज करने के लिए हमें जो चीजें सीखनी हैं उनमें है कि असल में सिंटेक्स कैसे हम CSS यूज करते हैं, कैसे हम लिखेंगे CSS और क्या चीजें यूज करने की और CSS में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो CSS में जो है हमारे पास सिलेक्टर होता है, यानी एक एलिमेंट, एक टैग। ठीक है, और फिर हम उसकी लिखते हैं प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का एक वैल्यू देते हैं। सपोज यहाँ पे H1 एलिमेंट है तो एक सिलेक्टर है, तो इसको कलर, एक एक प्रॉपर्टी है इसकी, और कलर में जो वैल्यू है ब्लू या कोई कलर, हेक्साडेसिमल कलर दे सकते हैं। ऐसे हम एक और प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, सपोज फॉन्ट साइज, उसमें उसका वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स है वो है कि हम एक सिलेक्टर को प्रॉपर्टी असाइन करते, प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, और प्रॉपर्टीज को हमें क्या देना पड़ता है, पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो इसका बेसिक जो है इसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये कैसे हम यूज करेंगे, सपोज अगर हम यहाँ अपने हेड सेक्शन में, जैसे हमने देखा कि तीन तरीके हमारे पास हैं, इंटरनल से हम बोलते हैं इंटरनल, हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। तो कैसे सिलेक्टर हम करेंगे, पहले सिलेक्टर सपोज हमारे यहाँ पर है, हमें H1 भी हमारे पास है, एक पैराग्राफ टैग भी। ठीक है, सपोज हम लिखेंगे यहाँ पर H1, तो ये एक सिलेक्टर हो गया H1। अब इसमें एक प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, यही प्रॉपर्टी सपोज कलर। ठीक है, अब कलर में कलर प्रॉपर्टी हमने लिखी, इसका एक वैल्यू हमें देना है। सपोज हम वैल्यू इसका देंगे, हम एक हेक्साडेसिमल वैल्यू देंगे इसका, सपोज हैश करके F2 F3 F3। ठीक है, मैंने इसका एक वैल्यू दे दिया। ठीक है, जो ही मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, तो इसका एक वैल्यू आ गया, ये एक डिम सा आ गया, डिम कुछ F3 में। ठीक है, हम इसको सपोज एक ऐसे भी दे सकते हैं, A3 A3 A3, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। ठीक है, या सपोज इसका कोई एक, हम यहाँ पे सीधे नाम भी लिख सकते हैं कलर का, सपोज हम लिखें ग्रीन, तो इसका कलर जो है ग्रीन आ गया। तो हमारे पास H1 सिलेक्टर है। ठीक है, तो देन वी हैव अ प्रॉपर्टी हियर, कलर इज आवर प्रॉपर्टी, एंड देन वी हैव इट इज वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू। फिर ऐसे ही हम एक्स्ट्रा और भी लिख सकते हैं इसमें, सपोज हम लिखेंगे इसके फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट सपोज हम बोल्ड करेंगे, तो एक ऑप्शन है हमारे पास, तो ये बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही हम, हमारे पास क्योंकि पैराग्राफ टैग भी है तो पैराग्राफ सिलेक्टर यूज करते हैं, तो पैराग्राफ सिलेक्टर में हम सपोज ये फॉन्ट वेट इसको हम बोल्ड करेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट वेट में हम बोल्ड करेंगे, तो ये जो है हमारा पैराग्राफ बोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सपोज फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं, सपोज हम इसमें लिखेंगे 17 पिक्सल, तो ये इसका साइज जो है चेंज हो जाएगा, या हम इसको और भी सपोज 30 पिक्सल, तो इसका साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या सिंटेक्स है, हम सिलेक्टर लिखते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू देते हैं, ये तो एक तरीके का सिंटेक्स है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैंने H1 का कलर सिलेक्ट किया ग्रीन, और फॉन्ट वेट सपोज फिलहाल हम कलर की बात करेंगे, H1 का कलर सिलेक्ट किया यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, ओके, मैंने ग्रीन कर दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ग्रीन कलर कर दिया, मैं चाहता था ये ग्रीन कलर बस इस पहले H1 का आ जाए, दूसरे H1 का कलर ग्रीन ना आए। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, मैं कैसे करूँ कि दूसरे H1 का कलर मैं अलग कैसे दे दूँ, सबो दूसरे H1 का कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आईडी, तो मैं इसका आईडी रखता हूँ, सब मैं इसका आईडी रखूंगा ग्रीन, कोई एक ठीक सा नाम देते हैं इसको, सपोज मैंने इसका आईडी रखा ग्रीन, या H1 की
कि ये पहला H1 है, ये भी एक ऑप्शन है, या बेटर है कि एक मैं इसका रखूं ID1, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका मैं आईडी एक दूसरा दे दूं, सपोज इसका मिलता हूँ ID2। तो अब मेरे पास दो आईडीज है, ID1 एंड ID2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर H1 को हटाता हूं और मैं लिखता हूं #ID1, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, अब देखो, अब #ID1 मैंने लिखा, कलर ग्रीन किया है इसका। अब कलर ग्रीन जो है खाली इस पहले वाले जो है H1 का हो गया, पहले वाले H1 का जो हमारे पास कलर है वो ग्रीन हो गया, दूसरे का ग्रीन नहीं है। अब अगर मैं दूसरे का कुछ और चाहता हूं कलर, तो उसकी मैंने एक आईडी बनाई है, हैश करके लिखते हैं हम आईडी। अब ये भी एक सिलेक्टर है, आईडी भी एक सिलेक्टर ही है, ठीक है। हैश उसका आईडी मैंने ID2 रखा है, ठीक है। अब मैं सपोज इसका कलर दूंगा सपोज रेड, ठीक है। तो अब मैं तो इस H1 का अलग कलर आ गया, इस H1 का अलग कलर आ गया, ठीक है। तो ये एक और हमारे पास एक और सिलेक्टर है, तो ये इस सिलेक्टर को हम बोलते हैं आईडी, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास, अब देखो यहां पर मेरे पास तीन पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ 1, दिस पैराग्राफ 2 एंड दिस पैराग्राफ 3। इसमें कोई स्टाइल नहीं लिखेंगे हम। तो मेरे पास तीन पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। एंड तीनों में जो है मैंने अभी सपोज कोई CSS नहीं लिखा है, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पर कि मैं तीनों के लिए एक आईडी लिखूं, ठीक है, तीनों के लिए एक आईडी लिखूं और उसको एक या अलग अलग आईडी लिखूं, तो इसको कुछ ऑप्शनल दे दूं, ठीक है। लेकिन एक और ऑप्शन भी मैं यहाँ कर सकता हूं, मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, क्लास। सपोज क्लास में इसका रहूंगा मैं नाम रहूंगा पैरा, कोई एक यूजफुल नाम पैरा। अब क्लास में क्या ऑप्शन है, मैं तीनों का क्लास एक ही सिलेक्ट कर सकता हूं। आईडी हर एक की अपनी अलग होती है, लेकिन क्लास, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट की आईडी होती है, उसका आइडेंटिटी नंबर होता है, रोल नंबर या कुछ, वो उसका अपना होता है। लेकिन एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है, देखो इससे क्या, क्लास लिखने के लिए हम डॉट यूज करते हैं, ठीक है, क्लास यूज करने के लिए हम डॉट, ठीक है, डॉट और इस क्लास का नाम है सपोज का नाम रखेंगे पैरा, ठीक है, पैरा ही नाम रखते हैं, PARA पैरा, ठीक है। तो ये पैरा भी अब एक सिलेक्टर बन गया, ठीक है। अब मैं सपोज मैं चाहता हूं इन सब का जो है फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो जो ही मैं ये करूंगा तो सबका फॉन्ट साइज जो है 20 पिक्सल हो जाए, और मैं चाहता हूं कलर जो है सबका सपोज ब्लू हो जाए, सबका कलर ब्लू हो गया। तो ये क्लास कब हमें काम आता, आईडी काम आता एक पर्टिकुलर चेंज, पर्टिकुलर को पर्टिकुलर चेंज करने, वो दूसरे के साथ उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें कुछ स्टाइल्स मोर देन वन जो है हमारे एलिमेंट्स को देना हो, ये क्लास में जरूरी नहीं है, ये क्लास में एक पैरा को ही दे सकता हूँ, यही क्लास में किसी हेडिंग टैग को भी दे सकता हूँ, किसी लिस्ट को भी दे सकता हूँ, इसमें इशू नहीं है। लेकिन एक आईडी एक ही को दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज किया, डॉट पैरा लिखा, डॉट लिख के क्लास यूज करते हैं। मैंने इनको पहले साइज दे दिया, फॉन्ट साइज सबका आ गया, फॉन्ट साइज यही, सबका कलर भी आ गया। अब चाहता हूं मैं, हम अलग भी कर सकते हैं, आईडी इज इक्वल सपोज, अब यहाँ पर पैरा 1 पहला पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ का मैं थोड़ा सा अलग इसका करूं कुछ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं #पैरा 1, क्योंकि पैरा 1 मैंने एक अलग आईडी बना दिया, ठीक है। अब मैं इसका अलग से कर सकता हूं, सपोज मैं चाहता हूं पहले का फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट वो बोल्ड
आ जाए, यानी पहला जो है पहला पैराग्राफ वो बोल्ड। अब मैंने जो इसके लिए ये खाली इसमें चला गया, पैराग्राफ पहले पैराग्राफ में क्या आ गया, बोल्ड आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं हर एक अपना अलग अलग आईडी दे सकता हूं और हर एक अपना अलग अलग ऑप्शन ले सकता है। ठीक है, एक और ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो है, तो तीन तरीके हमारे पास है। सपोज मैं यहाँ पे एक यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, बॉडी क्योंकि हमारे पास टोटल एलिमेंट है एक, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर हैश डी फोर कलर देता हूं मैं बैकग्राउंड को। ठीक है, तो बैकग्राउंड को देखो एक कलर आ गया। ठीक है, अब तीन तरीके हमारे पास ये जानने की याद रखने की बात है। एक तो हम डायरेक्ट एलिमेंट दे दें, तो हमें एलिमेंट मैंने यहाँ पे बॉडी दे दिया तो सारी बॉडी को आ गई, तो सब एलिमेंट्स को आ, क्योंकि बॉडी एक ही एलिमेंट हो तो सबको आ गया ये। अब दूसरा तरीका है एक आईडी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वो एक पर्टिकुलर आईडी होती है, तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब तीसरा तरीका है एक क्लास। ठीक है, तो तीन तरीके हैं मेरे पास, या तो एक एलिमेंट को मैं स्टाइल करूं, या तो एक आईडी को मैं स्टाइल करूं, या एक क्लास को स्टाइल करूं। अब एलिमेंट जो है वो एलिमेंट अगर सपोज यहाँ पे बॉडी तो एक ही होती है, अगर मैं यहाँ पे सपोज H1 लिखूं तो H1 तो मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सबको हो जाएगा वो ऑप्शंस। अब दूसरे मेरे पास है आईडी, एक पर्टिकुलर आईडी एक ही एलिमेंट को होती है, वो दो एलिमेंट को नहीं दे सकते हम, लेकिन क्लास हम एक से ज्यादा एलिमेंट को दे सकते हैं। अब ये कब काम आता है, सपोज मेरे पास मैं लिखता हूँ एक क्लास ऐड करता हूँ कोई ग्रीन, तो मैं चाहता हूँ जिसका भी मैं क्लास ग्रीन कर दूँ उसका टेक्स्ट जो है ग्रीन हो जाए, तो ये सिंपल है, मुझे बार बार उसकी कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा क्लास एक ग्रीन और उसमें कलर लिखूंगा ग्रीन, तो जो भी जिसका भी एलिमेंट का मैं क्लास ये करूंगा ऑप्शन ग्रीन, तो उसमें जो कलर है ग्रीन आ जाएगा टेक्स्ट कलर। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए पैराग्राफ में हम हमें क्या हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है, ठीक है, फॉन्ट का कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, क्योंकि पैराग्राफ तो टेक्स्ट है। अब अगर ये इमेज हुई तो इमेज ऑप्शन ऑब्वियसली इमेज तो मैं कलर इमेज में मैं फॉन्ट साइज तो चेंज नहीं ना करूंगा, इमेज में मैं ये कोई कलर उसका चेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि इमेज का अपना कलर होता है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं है, तो ये चीजें समझनी है कि टेक्स्ट में अपने अलग एट्रीब्यूट्स है, अपने प्रॉपर्टीज है, वो हमें देखनी है कि किसमें क्या प्रॉपर्टीज है। और जो सपोज हमें इमेज होगी कहीं पर या बॉडी, अब मैं देखूंगा, अब मैं यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा, ठीक है बॉडी, अब बैकग्राउंड इसका मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बॉडी का ये तो नहीं कर सकता, बॉडी का साइज साइज इज इक्वल टू 400 पिक्सल, अब ये तो ठीक नहीं ना है, बॉडी का साइज 400 पिक्सल नहीं है, ये दो चीज नहीं है। बॉडी तो उतनी बड़ी होती है हमारी जितना हमारा टेक्स्ट होगा, जितना हमारी कंटेंट होगा। ठीक है, तो बॉडी में क्या आ सकता है, वो कॉमन सेंस है कि बॉडी तो ओवरऑल ये पेज है, इसमें बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड पे एक इमेज हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो सकता है, बॉडी का कलर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ बॉडी में जो टेक्स्ट आएगा उसके कलर हम लिख सकते हैं, सपोज मैं कलर लिखूं, सपोज मैं कर लिखूंगा पिंक, तो ये एक अलग ऑप्शन आ गई कि बॉडी में जो कोई चीज है उसमें कलर पिंक आएगा। ठीक, सपोज अगर मैं यहाँ पर ये डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे जो है बॉडी में जो भी आ गया उनमें कलर पिंक आ गया, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है ये इसका पिंक कलर है, क्योंकि मैंने कलर यूज किया, इसका मतलब जो टेक्स्ट है ऑब्वियसली जो कलर है वो टेक्स्ट को आ जाएगा। ठीक है, जो कलर है वो टेक्स्ट हो, अगर इसमें कोई इमेज होगी तो उसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है समझने की जरूरत है कि हमें कौन सी चीजें कब काम आएंगी। तो ये तो पहला था कि सिंटेक्स, तो सिंटेक्स में हमें होता है एक सिलेक्टर, उसके बाद उसके डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो वी हैव एलिमेंट एज अ सिलेक्टर। ठीक है, हम एक एलिमेंट ही एक सिलेक्टर करते हैं, देन वी हैव मैंने दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास ID as a selector होता है, देन हमारे पास क्लास एज अ सिलेक्टर होता है, तो तीन तरीके के हमारे पास ये जो है ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टर देखिए, सिलेक्टर आईडी है, क्लास है,
ठीक है। अब ये एक और तरीका ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है पी डॉट सेंटर, वो पैराग्राफ जिनमें डॉट सेंटर यानी जिनमें क्लास हमने सेंटर दिया हो, एक क्लास हम यूज कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। सपोज अब ये कब काम आएगा, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास ऐड करता हूँ, सपोज यही हम सेंटर लिखेंगे, सेंटर। ठीक है, अब ये क्लास जो है मैं ऐड कर सकता हूँ मोर देन वन। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं इस क्लास को एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ, एक से ज्यादा क्लास, आईडी तो एक ही होगा। ठीक है, एक को तो एक ही आईडी क्रिएट कर सकते, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इस H1 को भी एक आईडी दे दिया सेंटर, H2 एक और H1 को भी आईडी सेंटर, और इस एक पैराग्राफ को आईडी दे दिया सेंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और चीज कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ H1 डॉट सेंटर। अब इसका मतलब जिस जिस H1 का क्लास सेंटर है उसमें टेक्स्ट अलाइन करो, सपोज सेंटर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो है H1 की ये सेंटर में आ गए, लेकिन जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो है सेंटर नहीं आया, पैराग्राफ का टेक्स्ट सेंटर नहीं आया, क्योंकि मैंने क्यों क्या बोला कि जिस H1 का सेंटर क्लास है उसी का खाली सेंटर कर दो टेक्स्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है क्लास में, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है सेंटर में, तो मैंने लिखा, हालांकि मैंने इस पैराग्राफ का भी सेंटर लिखा क्लास, इसका भी क्लास सेंटर है, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं आए, ये सेंटर पे नहीं आया, ये सेंटर पे नहीं आया। क्यों नहीं आया सेंटर पे, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे CSS लिखा वो मैंने एक सिलेक्टिव सेलेक्टर कर दिया, मैंने बोला सेंटर वाले जिनका क्लास सेंटर है लेकिन खाली H1 वाले, तो H1 वो H1 जिनमें क्लास क्या हो डॉट सेंटर हो, जिनमें क्लास सेंटर हो उन उनको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर। तो ये एक और ऑप्शन है हमारे पास, कैसे हम चीजों को और ये जो है कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ये भी बताया कि मल्टीपल क्लास हम ले सकते हैं, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज स्टार। ठीक है, तो स्टार में क्या होता है, सब का ऑल ऑल एलिमेंट्स, तो सब एलिमेंट्स में आ जाते हैं, तो जो भी एलिमेंट अगर मैं स्टार करूं फिर कुछ CSS लिखूं तो सारे के सारे एलिमेंट्स पे वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, स्टार मीन्स एवरीथिंग, तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास। तो ये कुछ ऑप्शंस थी हमारे पास जिनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्लास कर सकते हैं ऐड, आईडी में, स्टार में, एवरीथिंग, एलिमेंट कोई पी या सम वन आर मोर एलिमेंट्स, जैसे हम H1 कामा P कामा L I। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को हम जो है स्टाइल कर सकते हैं एक ही साथ, ये भी एक हमारे पास ऑप्शंस है। तो टोटल में अगर हम देखें तो कितने टाइप के सिलेक्टर्स हैं हमारे पास, देखो हमारे पास टोटल पहले है एक एलिमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, बॉडी हो या H1 H2 UL OL LI वगैरह, अलग अलग करके हर एक कर सकते हैं। उसके बाद एक आईडी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक आईडी, उसके बाद एक क्लास, क्लास एक से ज्यादा को होता है हमारे पास, उसके बाद एक एलिमेंट, वो एलिमेंट जो किसी पर्टिकुलर क्लास में हो, यानी H1 का अगर ये क्लास है या P का ये क्लास है तो वो भी हो सकता है। देन मोर देन वन एलिमेंट्स, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कॉमा करके हम ऐड कर सकते हैं, एंड देन स्टार की सब एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स कि कैसे हम CSS को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट के लिए। ठीक है,